हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एडिबल ऑफ माइंड। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 10, इंग्लिश क्लास 10th की वर्कशीट है। टॉपिक है डिटरमिनर्स। इस वर्कशीट में वी विल लर्न अबाउट द यूसेज ऑफ डिटरमिनर ईच एंड एवरी। ईच और एवरी का यूज करना हम सीखेंगे। जनरल रूल ईच और एवरी का क्या है, मोस्टली यूज विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये ईच और एवरी जो है सिंगल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं, लेकिन फिर भी इसके बारे में हम ब्रॉडली यहाँ पर एक एक चीज जानेंगे कि ईच कहाँ यूज होता है, एवरी। तो चलिए पहले ईच पढ़ते हैं। काउंटेबल नाउन, इसका यूज कहाँ होगा, काउंटेबल नाउन। फॉर एग्जांपल ईच स्टूडेंट, स्टूडेंट को आप काउंट कर सकते हैं ना, इसलिए ईच लगा हुआ है। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस है तो ईच लगे, ईच लाइब्रेरी हैज मैनी स्टोरी। ठीक है, और कैन ऑल्सो भी यूज विथ प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन का भी यूज हो सकता है प्रोनाउन के साथ, बट मोस्ट मस्ट बी फॉलोड बाय ऑफ, यानी ऑफ जरूर होना चाहिए। जैसे कि आई गेव ईच ऑफ देम, ईच के बाद ऑफ होना जरूरी है। ईच ऑफ द चिल्ड्रन, ध्यान देना है अगर प्लूरल के साथ लगता है तो ऑफ जरूर होना चाहिए, नहीं तो नहीं लगेगा। एवरी काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा। इट टॉक्स अबाउट थिंग्स पीपल्स एज सिंगल सिंगलर, बट इन अ ग्रुप और जनरल, बट इन अ ग्रुप और जनरल। जैसे एवरी सोल्जर रिस्पेक्ट द इंडियन, अब इसमें कह रहा है हर सोल्जर। देखिए काउंटेबल नाउन तो है लेकिन ये हर सोल्जर की बात करता है जो कि इंडियन फ्लैग की रिस्पेक्ट करता है। नाउ रेगुलर सिचुएशन, अगर रेगुलर सिचुएशन है या हैपनिंग है, जैसे वाटर लॉगिंग हैपन्स इन एवरी मानसून, तो कोई रेगुलर सिचुएशन है तो भी एवरी आएगा। नंबर एंड प्लूरल नाउन टू रेफर द रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे स्कूल बेल रिंग होती है आफ्टर एवरी 40, तो ये क्या है, ये इंटरवल दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ पे भी एवरी आएगा, तो टाइम इंटरवल के बीच में लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद ईच एंड एवरी। मेट्रो ट्रेन कम्स 10 मिनट, अब देखिए यहाँ टाइम इंटरवल है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा एवरी, हम देख रहे हैं एवरी वाला टाइम इंटरवल दिख रहा है, हर 15 मिनट में आती है। दीज पेंसिल बॉक्सेस कॉस्ट 30 रुपीज, ये इनकी कॉस्ट जो है 30 रुपीज ईच है, हर किसी की है, तो यहाँ पे ईच आएगा। द होली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड 10 मार्च इन नॉर्थ इंडिया, मार्च को मनाई जाती है, यानी हर मार्च को, हर बार आता है इंटरवल में, तो यहाँ पे एवरी आएगा। डैश क्वेश्चन इज कंपल्सरी, क्वेश्चन कंपल्सरी है, तो ईच क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन कंपल्सरी है, क्लियर है। नेक्स्ट है डैश ऑफ लेयर, ध्यान दीजिएगा ऑफ यहाँ पे आया, और हमने बताया था अगर प्लूरल नाउन में ऑफ होना जरूरी है तभी ईच आएगा। ईच ऑफ प्लेयर्स हैव टू स्कोर रन्स, तो यहाँ पे क्या होगा, ईच होगा। द स्टूडेंट प्रैक्टिस माइंडफुलनेस डैश डे, भाई स्टूडेंट को माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस करना चाहिए डेली, एवरी डे। ठीक है, एवरी डे। नाउ फिर यहाँ ऑफ आ गया तो यहाँ क्या होगा, ईच होगा। Each of senior citizens, plural sense में है तो each आएगा यहाँ पे, साथ में of होना बहुत जरूरी है कि जो भी senior citizen है उनको vaccinated होना चाहिए year के end तक। There are 5 books dash one has a catalog number, 5 books हैं और एक क्या कह रहा है, each one, हर किसी का कोई catalog number है, यानी एक एक का number है catalog number, यहाँ each आएगा। Main market is open डैश डे एक्सेप्ट ट्यूजडे, मेन मार्केट ओपन रहती है एक्सेप्ट ट्यूजडे, तो ये इंटरवल है तो एवरी आ गया, एवरी डे खुली रहती है। टीनेजर लाइक टू लिसन टू म्यूजिक, टीनेजर जो है म्यूजिक पसंद करते हैं सुनना, क्या आएगा यहाँ पे, एक एक टीनेजर है ना, तो ईच टीनेजर, इसमें एवरी भी आ सकता है। तो चलिए अब देखिए, अगर आपको वर्कशीट हमारी पसंद आई है वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर भी। टेक केयर बच्चों, फिर मिलते हैं।